हमारे साथ शहीद जवान के पिता हैं, उनसे बात करते हैं हुआ है कारण इसका सहायता हमको मिलना चाहिए सरकार के तरफ से बिल्कुल मिलना चाहिए हाँ और क्या हम कहेंगे हमारे घर में पुतो है उसको दो ठो बच्चा है कत लिए बच्चा वो बच्चा है दो ठो बच्चा है और हम दोनों आदमी हैं देखिए जो बच्चा जनात हुआ है जो महिला ने अपना पति खोया है पिता ने अपने बालक को खोया है उनके लिए तो कम की बात है और देश इन पे अभी ही नहीं भविष्य में भी इन पे गर्व करेगा क्योंकि इन्होंने देश की रक्षा के लिए देश की सुरक्षा के लिए अपना शहादत दिया है वृद्धावस्था में है उनकी आपने अभी हर एक बात को सुना है जो सरकार के सिस्टम से उनको कितनी अत्यधिक तकलीफें हैं आज से पिछले कुछ महीना पूर्व पिछले ही महीना मई में शायद उनकी दामाद जो आर्मी में है उनका निधन हो गया जो है राजेश झा जो मधुबनी ज़िला के ही भवानीपुर गांव के थे लेकिन इन्होंने जो अभी अपना दर्द बयां किया है तो बहुत तकलीफ़ हुआ है सिस्टम पे जो दो महीना होने के लिए जा रहा है और अभी तक उस परिवार को जो भी मदद सरकार की ओर से मिलना चाहिए वो नहीं मिला है इस पे मैं अपना खेत प्रकट करता हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा जो अगर देश की सुरक्षा करते हुए अगर किसी सेना सी आर पी एफ आर्मी को अगर ऐसी दुर्घटना होता है तो उसको 24 घंटा के अंदर जितनी भी सहायता राशि है उसके परिवार के लिए उसके फैमिली के लिए उसके बच्चे के लिए वो तुरंत मिल दे जाना चाहिए जो कल हो के उनके परिवारजन को किसी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़े शोक का भी माहौल बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं सब उन्हीं के ऊपर आश्रित है तो शोक है बहुत ही शोक है इसके लिए सरकार को चाहिए जो उनके परिवार के मेंबर का कैसे भरण पोषण हो ये सरकार को करना चाहिए शोक तो है ये है कितने लोग हैं उनके उनके घर में लोग कम से कम दस है दस हैं। और उनका जीविकोपार्जन वही सब कुछ करते वही सब कुछ वही सबका सब पालन करते थे वही सब का पालन करते थे उन्हीं के से सबका पालन चलता था भाई भी उन्हीं पे डिपेंड है भतीजा भी उन्हीं पे डिपेंड है वाइफ है चार बच्चे है और बच्चे सब छोटा छोटा बच्चे है एक है ग्रेजुएशन है मदर फादर है वो बुज़ुर्ग हैं कुछ कर नहीं सकते कुछ कमा नहीं सकते वो उन्हीं पर आश्रित है